हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यक्ति को उनके जानकार से 60,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद होने के बाद बताकर और उसे जेल से छुड़वाने के लिए 60,000 ठग लिए। इतना ही नहीं, फोन करने वालों ने हूबहू ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जानकार की आवाज में बात की, जिससे पैसे देने वाले को लगा कि सचमुच वो मुसीबत में है। इस दौरान आरोपी ने व्यक्ति से 60,000 की ठगी को अंजाम दिया। मेरे पास फोन आया, कहने लगे भाई आप इंद्र को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कह वो तो इस टाइम जेल के अंदर बंद है और आपको मालूम नहीं है? मैं कहा ना मुझे तो मालूम नहीं है। कह ऐसा है, उनके साथ एक घटना घट गई है बहुत तकड़ी और वो जेल के अंदर बंद है और उसको छुड़ाना है। और मैंने कहा क्या बात क्या हुई है? कह तीन बंदे थे क्लब के अंदर गए थे, क्लब में उन्होंने क्लब के अंदर इनका झगड़ा हुआ है और उन्होंने जो बहरा है उसके सिर पे बोतल मार दी, उसकी हालत सीरियस है, वो अस्पताल के अंदर दाखिल है। तो इन तीनों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया है। तो दूसरे दो आदमी थे उनको तो वकील ने बताया भी मैंने छुड़वा दिया है जमानत पे। ये बंदा रह गया, ये कह रहा है मेरे रिश्तेदारों को किसी को पता नहीं लगना चाहिए और अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो उनको नुकसान अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने मेरा नंबर दिया, अभी मेरे अंकल का नंबर ले लो, अंकल को फ़ोन करो और अंकल जी मेरे को छुड़वा लेंगे। तब फिर मेरी बात भी हुई इंद्र से, बिल्कुल वैसी आवाज़ थी और वह पंजाबी में बोल रहा था। और उन्होंने कहा अंकल जी, मैं कह भाई तेरा नंबर तो है नहीं? क्या नहीं है, मैं वकील का नंबर है, वकील के फ़ोन तो मैं गल कर रहा, मेरा फ़ोन भी और मेरा क्या नाम ATM भी, मेरा पासपोर्ट भी, सब इन्होंने अंदर बंद किया। देखिए, एक इंद्रजीत कुमार यादव जी की हमारी को दरखास्त मिली है जिसमें उनके द्वारा कुछ फ़ोन रिसीव होने के बाद कि कोई उनका रिश्तेदार या कोई उनका मौत जेल में है और उनके उसके चार दिन से कुछ पैसे ठग लिए गए हैं। उसके संबंध में थाना साइबर क्राइम में हमारे को 5/12 को दरखास्त प्राप्त हुई थी, उसमें नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए, इसी संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स माह के पहले बुधवार को साइबर अवेयरनेस डे के साइबर क्राइम अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट या हम कहें कि रूप में मनाती है, जिसके तहत हम जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। और इसके अलावा भी हम सभी को यही कहते हैं कि अगर पहले आप अपने OTP और आपके जो भी आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं या आप अपना ईमेल ID वगैरह के पासवर्ड्स भी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना शेयर करें, कोई अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर आपकी जो भी IDs क्रिएट हुई हैं वहाँ आप अपने प्रोफाइल को लॉक रखें और 2-step ऑथेंटिकेशन भी रखें अपने ईमेल आईडी पर भी और अपने लॉगिन आईडीज पर भी, प्लस अननोन जगह पर फ़ोन को चार्जर पर ना लगाएं, अननोन लोगों पर विश्वास ना करें। आपको कोई कहता है आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला तो कृपया करके उसको आप अपने बैंक में जाकर इन चीज़ों को वेरीफाई कर लें। जब भी आप किसी भी साइबर क्राइम किसी भी कंज्यूमर केयर हेल्पलाइन नंबर को आप असेस करते हैं इंटरनेट या गूगल के थ्रू उस नंबर को आप पाते हैं तो कृपया करके यह सुनिश्चित करें कि आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं वह वेबसाइट ऑथेंटिक है, वह उस पर्टिकुलर कंपनी की है या वह गवर्नमेंट की है, उसी के बाद ही उस नंबर पर डायल करें। और अगर कई बार जाने अनजाने में आपसे गलत नंबर लग जाए या आपको कोई कॉल आ जाए, कृपया आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जो बार बार RBI भी और गवर्नमेंट भी समय समय पर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और सेमिनार्स के द्वारा कन्वे करती है कि आप अननोन नंबर्स पर अपनी कृपया पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। और अगर फिर भी आपके साथ साइबर क्राइम घटित हो जाए, कुछ घटना घट जाती है, तो तुरंत आप 1930 या 112 पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हो, अगर आप तुरंत विद इन मिनट्स आप कॉल कर देंगे 1930 पे, तो आपका जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, बशर्ते वो अकाउंट से निकला ना हो। इसलिए जो हमारा रिएक्शन टाइम है, हमें जैसे ही हमें लगेगी हमारे साथ ठगी हो गई है, तुरंत हम बिना टाइम वेस्ट करें 1930 नंबर पे कॉल करें या 112 पे कॉल करें तो हमारा